हेलो फ्रेंड्स, मैं पीना, वेलकम टू माय चैनल द किचन काउंटी। अक्सर बच्चे कुछ नए खाने की फरमाइश करते रहते हैं, तो आज हम बनाएंगे बच्चे और बड़े सबको पसंद आएगा ऐसा ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पिज़्ज़ा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून ग्रीन कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, 1 टेबलस्पून ब्लैक ऑलिव्स, 1 टीस्पून हेलोपिनोज, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ओरेगानो और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल के ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा फिलिंग हमारा रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लेंगे 1 टीस्पून बटर, उसमें 1/2 टीस्पून ओरेगानो डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लेंगे सैंडविच ब्रेड स्लाइस। पहले हम ब्रेड की एजेस को काट लेते हैं और ब्रेड को बेल के थोड़ा पतला बना लेते हैं। वापस साइड्स थोड़े से कट कर लेते हैं कि जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब हम पिज़्ज़ा फिलिंग को ब्रेड के ऊपर रख लेंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ज़्यादा मोटा लेयर नहीं करेंगे, नहीं तो रोल करते टाइम फिलिंग बाहर आने लगेगा। ब्रेड की एजेस पे अच्छी तरह लगा लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह स्टिक हो सके। उसके बाद थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल लेते हैं, थोड़ा ओरेगानो और थोड़ा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेते हैं। अब ब्रेड को एकदम केयरफुली रोल कर लेते हैं और ये जो फिलिंग है उसे अंदर डाल लेते हैं और उंगलियों से ऐसे रोल कर देंगे ताकि रोल अच्छी तरह स्टिक हो जाए। तो ये पिज़्ज़ा रोल हमारा तैयार है। इसी तरह हम सारे पिज़्ज़ा रोल को बना के तैयार कर लेंगे। अब बटर ओरेगानो वाला मिक्सचर को हम पिज़्ज़ा रोल के ऊपर लगा लेते हैं। इससे पिज़्ज़ा रोल का कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत ही अच्छा आएगा। अब पिज़्ज़ा रोल को सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तवे को गरम किया है, उसके ऊपर सारे पिज़्ज़ा रोल को रख लेंगे और ऊपर की साइड भी थोड़ा बटर ओरेगानो का मिक्सचर लगा लेते हैं। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और रोल्स को ऐसे पलटाते हुए सारी साइड से सेक लेते हैं। तो देखिए सारी साइड से बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा रोल्स बनके तैयार है। बहुत ही अच्छे पिज़्ज़ा रोल बने हैं। एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। सुपर डिलीशियस। तो इस रेसिपी को आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।